हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब हैं? हाँ, नौकरी छोड़ दी? क्या इस्तीफा दे दिया? ओह नो, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे प्रिंसिपल की नौकरी नहीं चाहिए। अरे इतना चिल्ला क्यों रही हो? ये चाय से मेरी नींद नहीं उड़ी, तेरे कल्याण से उड़ गई। डैडी आपकी तो सिर्फ नींद उड़ी है ना, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तू होश में कब थी? क्या नहीं, मतलब तू बेहोश कब हुई थी? डैडी डैडी आप समझते क्यों नहीं है, हमारे घर में कुछ अजीब सी चीजें घट रही हैं। मुझे लग रहा है बढ़ रही है। चुप, अपने भाग को डांटती है। अरे आपको नहीं, मैं इस बदतमीज लड़के को डांट रही हूँ। मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम इस बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों करती हो? बच्चे पर गुस्सा क्यों होती हो? जैसे आप जानते ही नहीं है डैडी, इसकी वजह से प्रिंसिपल नौकरी तो क्या, ये शहर ही छोड़कर भाग गया है। अच्छा हुआ भाग गया, मुझे तो लगता था तुझे साथ लेके भाग जाएगा। काश ऐसा होता, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। अरे रे रे, इतना बेसुरा क्यों गाती हो और क्यों परेशान होती हो? डैडी मैं बहुत परेशान। इस घर में ना, घर में किसी भूत का साया है। क्यों अपने बारे में इतना बुरा कर रही हो? वो डैडी आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। अरे वो भूत का साया है तो कौन है वो भूत और हमारे घर पे वो साया क्यों डाले? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस लड़के में कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं जो इसकी पढ़ाई में बाधा डाल रही है। दादाजी मुझे बुआ की बातें से बहुत डर लग रहा है। ए, तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा। करूंगी, जरूर करूंगी। कल ही मुझे मेरी पुरानी सहेली का फोन आया था, वो साउथ अफ्रीका में भूत पिशाच पर रिसर्च कर रही है। मैं आज ही जाकर फैंटमा से मिलती हूँ। अच्छा तुम अफ्रीका जा रहे हो? अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है डैडी, मेरी सहेली मुंबई आ रही है, उससे मिलकर मैं इस बात का जरूर पता लगाऊंगी कि ऐसी कौन सी सुपरनेचुरल पावर्स हैं जिसकी वजह से योयो की पढ़ाई में बाधा आ रही। छू मंतर तंतर मंतर, पीछे हट जा काला छचुंदर, डूब जाएगा बीच समुंदर। आजा आजा मेरे सामने आजा, अपना भूतिया चेहरा दिखा जा। छू मंतर तंत्र मंत्र, छू मंत्र तंत्र मंत्र, छू। आओ दुर्गा आओ, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत। टंचु मंचु। यस मम्मी। आंटी से हेलो कहो। हेलो आंटी। हेलो हेलो, ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं? बिल्कुल। ये है तंत्र, वो है मंत्र, यानी टंचू मंचू। गुड। और इनके डैडी क्या करते हैं? वो भूत बन गए हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो। ना ना, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया ना, इसलिए अब वो मेरे पास्ट बन गए हैं, यानी भूत बन गए हैं। पास्ट? आई थॉट पास्ट अवे। दुर्गा तुम मेरी छोड़, अपनी बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना, वो मेरा भतीजा, माय नेफ्यू, मुझे लगता है वो किसी सुपरनैचुरल पास के चक्कर में है। और डू समथिंग अबाउट इट। हट, क्या हुआ? क्या कॉकरोच? तो नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर जो भूत मंडरा रहे थे उनसे कह रही थी। मेरे सर पर? अरे दुर्गा घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। बाल भी बाका? पर फैंटमा, I was thinking कि मैं थोड़े बाल पर्म करा लूं तो कैसे? अच्छा, हट जा। हाँ, फिर से आ गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, घबराओ मत। मम्मी क्या हम जाए? हाँ बच्चों जाओ, बाहर जाओ, लोगों के घरों के शीशे तोड़ो, मजे करो। मम्मी सारे शीशे तो टूट गए, अब हम गाड़ी के शीशे तोड़ेंगे। ओके बेटा जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। ओके मम्मी। बड़े होशियार है मेरे बच्चे,
किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता उन्हें। क्यों? क्योंकि जिस किसी स्कूल में जाते हैं किसी बच्चे का हाथ तोड़ देते हैं, किसी का सर फट जाता है। एनीवेज दुर्गा, तुम्हें पता करना था ना तुम्हारे भतीजे के सर पे कौन से भूत का साया है। मैं बताती हूँ। हाँ बता बता। अभी बताती हूँ। हाँ बता। ओ भूतों के राजा, आजा मेरे सामने आजा। नाम है भतीजे का यो यो, कौन है साथी झट में बता जा। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मेरे सामने पूरी की पूरी भूत नगरी आ गई है और मैं साफ साफ देख सकती हूँ कौन से भूत का साया तुम्हारे भतीजे के सर पे। कौन है? कौन है जल्दी बताओ, उसका नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी बताओ। वो है भूत नगरी का हीरो और उसके सामने बाकी सब है जीरो। उसका नाम है गोगो। गोगो? अरे हाँ, यो-यो कभी कभी नींद में बड़बड़ाता है, कहता है गोगो प्लीज मुझे बचा लो, गोगो प्लीज मेरी हेल्प करो, गोगो प्लीज मुझे मैथ से छुटकारा दिलाओ। यस गोगो। हाँ दुर्गा, लेकिन तुम घबराना मत, तुम जब चाहोगी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। थैंक यू। और फिर जब वो भूत यो-यो का नाम सुनेगा तो वो अपने आप गोगो हो जाएगा। नमस्ते सरदार, बड़े असरदार, हुकुम करो हम हुए खबरदार। भूत सरदार की जय हो, भूत सरदार की जय हो। क्या हुआ भूत सरदार, क्यों बुलाया अर्जेंटली आपने? मैं देख रहा था मुक्ति के सपने। और सरदार, मैं घूम रही थी बाग में, भीग रही थी फुलझड़ी की झाग में, मैं तो खा रही थी पिज्जा, कितना आ रहा था मजा। और मैं कर रहा था होमवर्क, और मैं खा रहा था नॉनवेज, तभी आ गया आपका मैसेज। मैं कर रहा था एक आदमी की छुट्टी, जब बजी आपकी मोबाइल की घंटी। और मैं लिख रहा था पत्र अपनी एक खास गर्लफ्रेंड को, जानती नहीं वो आज के लव अफेयर के ट्रेंड को। चल हट। इसका मतलब है कि तुम सारे के सारे अभी तक हो गाफिल, भूत नगरी पर आने वाले संकट को न जानते हो न करते हो उसे फील। संकट और भूत नगरी पर ताज्जुब हुआ सुनकर। मैं समझा तुम्हें होगा पता, बीच बीच में हो जाते हो लापता, भटकते रहते हो जाने कहां कहां, कभी यहां कभी वहां, कभी इस बहाने कभी उस बहाने, और अक्सर अपने इंसान दोस्त यो यो से मिलने। क्षमा कीजिए सरदार, लेकिन मेरे भटकने से इसका क्या संबंध है और भूत नगरी पे संकट से यो यो का क्या ताल्लुक है? तो कान खोल कर सुन ले, जिस यो-यो से है तेरी दोस्ती उसकी बुआ को आई है मस्ती, ढूंढ लिया उसने एक विच डॉक्टर जो मिटाना चाहती है हम भूतों की हस्ती। विच डॉक्टर? विच डॉक्टर भूतों की दुश्मन, घोस्ट बस्टर। सरदार आप ये क्या कह रहे हैं? सुनकर हम हो गए बेजार। और जल्द वो डायन भर पाएगी कहर अपना, मुझे डर है के मंत्र तंत्र की चुटकी से ये भूत नगरी न बन जाए केवल सपना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं अभी जाकर हकीकत का पता करता हूं। तुम क्यों करते हो वायदा, इससे कुछ नहीं होगा फायदा, बल्कि भूत सरदार यही है इस सारी परिस्थिति का जिम्मेदार। वो कितनी मां खबरदार, ना की होती तुमने दोस्ती उस इंसान की औलाद से, कौन लेता टक्कर इस भूत नगरी के फौलाद से। भूत सरदार इस सारी परिस्थिति का गोगो है जिम्मेदार, करना होगा इसे भूत नगरी से तड़ीपार। आप इसकी बातों में बताना, इसकी शिकायतों को सीरियसली मत लेना। दीदी टांग, दीदी टांग, दीदी टांग। मत खींचो आपस में टांग, सबको मिलकर सोचना होगा, आने वाले संकट को झेलना। लो यो यो, ये तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अरे वाह दादाजी, आप तो कितने ब्रिलियंट हैं। अरे बेटा तुम भी तो ब्रिलियंट हो, हमारी रगों में आर्यभट्ट का खून दौड़ रहा है। मतलब इतना पुराना खून दौड़ रहा है। होमवर्क करो, होमवर्क
मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो जो हमारी बुआ है ना, वो बहुत बहादुर है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो हमेशा भूत वगैरह की बातें करती रहती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो किसी चीज से डरती नहीं? तुम्हारी बुआ तो बहुत डरपोक है। वो कैसे? अगर कॉकरोच को देख लेती है ना, तो चिल्ला चिल्ली कर देती है। अच्छा? अरे, एक दिन उसके सर पे छिपकली गिर गई और रो रो के सारा घर सर पे ले लिया उसने। अच्छा, और किस चीज से डरती है बुआ? और बकबक बंद कर, होमवर्क कर। दादाजी, आप भी मुझे डांटने लगे ना। नहीं बेटा, देखो तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो एग्जाम में पास कैसे होगे? अच्छा तो दादाजी, अब आप अपने कमरे में जाइए, मैं अपना होमवर्क करता हूँ और आप जाके सो जाइए। वेरी गुड बॉय। हेलो जानवी, मैं यो बोल रहा हूँ, मुझे बुआ को डराने के दो तरीके पता चल गए। अजीब सी आवाज है। कौन है वहां पर? अभी तो यहाँ कोई था, अभी कोई नहीं है। कौन था? लेकिन ओ गॉड, कोई गलती हो तो माफ कर देना। ओ गॉड, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, कल रात को मुझे कौन डरा रहा था?
मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। फिर झूठ, फिर झूठ। डैडी, डैडी, रात को मेरे कमरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और उसके बाद डैडी खिड़की में से एक भूतिया चेहरा मुझे नजर आया। वो तो ठीक है डैडी, पर उसके बाद मेरे मुंह के सामने एक कॉकरोच आ गया। डैडी मैं नहीं रहूंगी। कॉकरोच? तो ये तुम्हारी हरकत थी ना? नहीं दादाजी, मुझे नहीं पता दादाजी, सच्ची में मुझे कुछ नहीं पता। दुर्गा, शायद तुम्हें वहम हो गया। वहम नहीं डैडी, वहम नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये भूतों के सहारे मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? वही दिल्ली, जहाँ से मैं इसे पढ़ाने के लिए आई थी। लेकिन अचानक कैसे जा सकती हो? डैडी अगर अचानक नहीं जाऊंगी तो आज रात को फिर इसके दोस्त भूत मुझे भी भूत बना देंगे। मतलब तुम नहीं हो? क्या? नहीं मतलब आज रात को तुम नहीं हो? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अब इस घर में कतई नहीं रहूंगी, इस लड़के के साथ में कतई नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करती हूँ और दिल्ली की फ्लाइट का टिकट बुक करवाती हूँ। अभी फोन करती हूँ। डाकुमा यो क्या डाकुमा कर रहे हो? अरे हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, वो यहाँ से भाग रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अगर कल रात आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो बुआ यहाँ से नहीं भागती। तुम लोगों को तो भूत होना चाहिए था। इतनी मदद तो मेरे भूत दोस्त भी नहीं करते। ए डाकुमा। अब तो मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अभी फैंटमा को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। टू मच। बुआ, आपकी टिकट हो गई ना? बेटा टिकट तो अब तुम्हारी और तुम्हारे उन भूत दोस्तों की होगी। तुमने मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश की ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। किसको फोन कर रही हो? पुलिस को कर रही हो? मुझे अरेस्ट करवाओगी? अरेस्ट तो बेटा तुम्हारे वो दोस्त होंगे जो भूत नगरी में रहते हैं, और उन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, मेरी सहेली फैंटमा द ग्रेट अरेस्ट करेगी। फैंटमा? यस फैंटमा। हेलो, यस फैंटमा, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। हाँ बस तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। यस इमीडिएटली। हाय दुर्गा। हाय फैंटमा, नाइस टू सी यू। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ओह हाय मंत्र। हाय। हाय तंत्र, कैसे हो दोनों? ठीक हो? आइसक्रीम खाओगे? यस चलो बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी बैठो सीट डाउन। ओ फैंटमा, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो तुम्हें इस भूत का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा। प्लीज डू समथिंग। दुर्गा तुम फिक्र मत करो। हाँ अब मैं उस भूत का कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर दूंगी। गोगो नाम का भूत जहाँ कहीं भी होगा उसे मैं भगा के ही रहूंगी, और वही नहीं उसके साथ वहां मौजूद जितने भी भूत होंगे मैं उन सभी को भगा के रहूंगी। अब थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू मिस। शट अप। खतरे में, तुम्हारी जान भी खतरे में। प्लीज गोगो सावधान रहना, प्लीज।